कि माननीय नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने खुद इस चीज़ की आपकी तारीफ करी है। अगर वो वाला क्लिप मुझे मिलता है तो वो वाला मैं इस वीडियो के एंड में या बीच में कहीं पे ही उस क्लिप को जरूर ऐड करूंगा। आप लोग शादी में देखने के लिए जाते हैं वर, बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से अमृत सरोवर। हेलो गाइस, फाइनली आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विजिट विद अनुराग में। आज मैं आऊँगा रामपुर से 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे पटवाई गांव में। क्यों आया हूँ पटवाई गांव में, क्योंकि आप सब लोगों को अब तक पता चल चुका होगा वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल देखने के बाद कि मैं आपको दिखा रहा हूँ रामपुर शहर के पटवाई गाँव का अमृत सरोवर जो हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने अपील करी गई है कि 15 अगस्त 2023 तक उन्हें पूरे जिलों में 75 आपके अमृत सरोवर बनवाने, जिसमें से रामपुर आपका पहला ऐसा जिला है जहाँ आपके अमृत सरोवर को बनवाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे का नज़ारा कितना ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहेगा। आप लोग इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है। जब कंडीशन की होती है यहाँ से आपको पानी का फ्लो बहता होगा तो कितना ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता होगा। ये चीज़ आपने देख रखी होगी गांधी समाधि के पास भी आपको इस तरीके का एक फाउंटेन बना हुआ है। उसके अंदर से भी क्या होता है लाइट्स जलती है, जब पानी बहता है तो वहाँ का सीनरी थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ से आप आगे की तरफ आइए और आपको आगे का नज़ारा भी दिखाते हैं किस तरीके का है। आप लोग देख सकते हैं अगर आप वहाँ से एंट्रेंस लेते हैं तो यहाँ पे सीढ़ियाँ दे रखी हैं, यहाँ से सीढ़ियों से उतरेंगे और वहाँ पे जाकर बोटिंग पर भी अपना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आके अभी तो बोट्स नहीं है पर आने वाले टाइम में यहाँ पे बोटिंग भी होगी, यहाँ पे आके बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। बोटिंग्स करने के लिए आप लोग नैनीताल जाते थे, मुंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे, अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, बट रामपुर के जिले में आपको इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अगर आप रामपुर में रहते हैं तो मात्र यहाँ पे 20 से 30 रुपये का टिकट होगा यहाँ पे आने के लिए, बट अगर आप नैनीताल जाते थे तो कम से कम आप 500 से 1000 रुपये खर्च कर सकते हैं, बट वही चीज़ आपको मात्र 20 से 30 रुपये में मिल रही है अभी रामपुर में। तो सोच सकते हैं कितने ही अच्छा आपका फायदे का फायदा है। आप आइए आगे की तरफ, हम यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं इन सीढ़ियों से उतरतेंगे नीचे की तरफ। आपका नीचे से उतरने की तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे मिनिमम नहीं तो कम से कम 50 से 60 लोग एक साथ यहाँ पे आके बोटिंग कर सकते हैं, तब भी ये जगह आपकी फुल नहीं होगी। अब इस कंडीशन में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अब से पहले क्या होता है कचरा डाला जाता था, उस कचरे को साफ करके यहाँ पे इस तरीके की इतनी अच्छी चीज़ बनाई गई है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी दे रखें, यहाँ पर आप इजली अच्छे से बैठ सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं। एक बेंच यहाँ पे, एक बेंच वहाँ पे, हर यहाँ पे स्पॉट पे बेंचेस बना रखे हैं। अगर मिनिमम मैक्सिमम लोग भी आते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स किसी को भी नहीं होने वाली है, क्योंकि पूरा ये अमृत सराव बहुत ही अच्छे ढंग से बना रखा हैगा। स्पॉट मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा अगर जब यहाँ पे कंडीशन की होगी इस टाइम में तो आपको पानी कम दिखाई दे रहा है, जब पानी का फ्लो आता होगा तो यहाँ पे व्हाइट कलर का पाइप दिखाई दे रहा है। इसी पाइप के सहारे क्या होता है इस अमृत सरोवर के अंदर पूरे के अंदर पानी भरा जाता है। और बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं मिडल में आपको एक येलो कलर की बैम्बू स्टिक दिखाई दे रही होगी, उस बैम्बू स्टिक का मतलब है कि आपका पानी का लेवल कितना है या आपको पानी का लेवल कितना रखना है, वहीं पर आपको वार्निंग दिखाई दी जाएगी। तो ये भी अच्छी चीज़ बना रखी है। यहाँ पर आगे बोटिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको लगने वाला है, बट ये काम जो अभी यहाँ पे चल रहा है तो बट हमने सोचा कि अपने ऑडियंस को क्यों ना पहले ही इस चीज़ को कवर करके दिखा दें कि जिससे आप लोग जब जैसे ये बन के तैयार हो तो आप लोग यहाँ पे आपके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोगों को यहाँ का अमृत सरोवर पसंद आया हो तो फटाफट जल्दी से आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यहाँ का वीडियो किस तरीके का लगाएगा। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।